दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ काल्पनिक। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिन्हें ना तो वास्तविक कहा जा सकता है और ना ही काल्पनिक। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ऐसे लोगों के होने की कोई सबूत मिलता है और ना ही इन लोगों के अस्तित्व को पूरी तरह से झुठलाया जा सकता है। ये लोग इतने मिस्टीरियस होते हैं कि इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं होता। ऐसी प्रजाति का नाम है वैम्पायर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल पर, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ दुनिया। आज हम जानेंगे वैम्पायर्स के बारे में। वैम्पायर्स, ये लोग ना तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं और ना ही पूरे जानवर, और ये लोग ना तो पूर्ण रूप से जीवित होते हैं। आज हम जानेंगे इनसे जुड़े कुछ अचंभे कर देने वाली सच्ची कहानियों के बारे में, जिन्हें सुनकर आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में वैम्पायर्स होते हैं। इतिहास में पाई जाने वाली दस्तावेजों के अनुसार वैम्पायर्स वो प्रजातियां होती हैं जो यूं तो मृत लोग होते हैं, लेकिन किसी खास दिन वो जाग उठते हैं और अपनी अपनी कब्र से बाहर निकल आते हैं। जागने के बाद ये लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसान या किसी जानवर का खून पीना पसंद करते हैं और फिर सूर्योदय होने से पहले वापस अपने कब्र में सो जाते हैं। इतिहास में ऐसे कई सारी घटनाओं का जिक्र है जो वैम्पायर्स की होने की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन विज्ञान की अगर माने तो वैम्पायर्स की कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक किसी मरे हुए इंसान का फिर से जिंदा होना संभव नहीं है। प्लेटो द ब्लड सकर। सन 1700 के समय में वैम्पायर्स और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थी। सन 1700 से 1730 के समय को ड्रैकुला का समय माना जाता है। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगह पर लोग वैम्पायर्स का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में किसी लोया सर्विया नाम के जगह पर एक किसान था जिसका नाम पीटर था। उसकी मौत हो गई, लेकिन पीटर के मौत के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और पीटर वहां से चला गया। लेकिन अगले ही दिन पीटर फिर से अपने बेटे के पास आया खाना मांगने, लेकिन इस बार उसके बेटे ने पीटर को खाना देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह पीटर का बेटा मृत अवस्था में पाया गया। उसके शव को देखकर सब पता चल रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिन्हें देखकर लग रहा था मानो बच्चे ने मरते समय कोई बेहद खौफनाक चीज देख लिया हो। इस बच्चे के डेड बॉडी में सबसे ज्यादा विचित्र ये बात थी कि बच्चे की गर्दन की दाहिना ओर पिछले भाग पूरी तरह से घायल था। उसके घाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उस बच्चे की गर्दन को नोच खाया हो। इस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इसी तरह के मौतों का सिलसिला चलता रहा और उस गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर हंटर्स की सहायता लेने का फैसला किया। इन वैम्पायर हंटर्स ने जब सभी मौतों और उन सभी 10 लोगों की बॉडीज की जांच की तो पाया कि सभी मौतों के पीछे किसी पिशाच यानी वैम्पायर का हाथ है। उन्होंने जब पीटर के कवर को खोलकर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पीटर का मृत शरीर अभी भी बिल्कुल ताजा था और उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। पीटर के छाती में एक छड़ी रखी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी पक्षी के पंख मिले। पीटर के लाश को उसके कब्र से निकालकर आग में जला दिया गया और उसके राख को पास के एक चर्च में दफना दिया गया ताकि पीटर का पिशाच फिर से ना जाग जाए। इसके बाद पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा गया, लेकिन पीटर के छाती से वो छड़ी और मुंह में पक्षी का पंख कहां से आए, इसे कोई नहीं सुलझा पाया।
या पीटर पर किसी प्रकार का अनुष्ठान करके उसे वैम्पायर बनाया गया था? इस सवाल का जवाब पीटर के राख के साथ हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। एलिजाबेथ बैटरी को द ब्लड काउंटेस के नाम से भी जाना जाता है। उसने 21 अगस्त 1614 तक हंगरी पर राज किया। एलिजाबेथ को इतिहास में सबसे क्रूर महिलाओं में से एक माना जाता है, जिसके चलते गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा कत्ल करने वाली महिलाओं में एलिजाबेथ का नाम दर्ज है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि एलिजाबेथ एक जीती जागती वैम्पायर थी। वो लोगों को बहुत क्रूरता से मौत के घाट उतर देती थी। लोगों को मारने के लिए वो नए नए तरीके अपनाती थी, जिससे मरने वालों को अधिक से अधिक तकलीफ पहुंचे। वो अपने शिकार को सुइयों और कीलों से गोदती थी, ताकि उनके शरीर से धीरे धीरे सारा खून निकल जाए और वो इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। इसके अलावा वो लोगों को निर्वस्त्र करके बाहर ठंड में छोड़ देती थी, जब तक उनका शरीर ठंड की वजह से जम नहीं जाता था। यही नहीं, एलिजाबेथ काला जादू करने में भी माहिर थी। 10 से 14 साल की लड़कियों को मारकर उनके खून से स्नान करती थी। उसका मानना था कि 10 से 14 साल की लड़कियों की खून से स्नान करने से उसका सौंदर्य बरकरार रहेगा। एलिजाबेथ की क्रूरता से तंग आकर अन्य राज्य अधिकारियों ने एलिजाबेथ को बंदी बना लिया और उसको अपने जीवन के आखिरी दिन जेल में गुजारने पड़े। 1614 में एक रात एलिजाबेथ ने अपने जेल के पहरेदार से शिकायत की। उसे हाथों पर बहुत ठंड लग रही है और वो अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही है। एलिजाबेथ ने पहरेदार को बताया कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा शरीर आग की चपेट में है। उसे असहनीय जलन का एहसास हो रहा है, लेकिन पहरेदार ने एलिजाबेथ की सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह एलिजाबेथ को जेल में मृत पाया गया। एलिजाबेथ की मौत के बाद उसे एक कफिन में रखा गया और उसे दफनाने के लिए ले जाया गया, लेकिन दफनाते समय जब कॉफिन को खोला गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि कॉफिन में से एलिजाबेथ की लाश गायब हो चुकी थी। एलिजाबेथ की लाश गायब होने का कारण और रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला। मर्सी ब्राउन सबसे कुख्यात पिशाच के रूप में इनकी गिनती कर सकते हैं ड्रैकुलाओं के श्रेणी में। काउंट ड्रैकुला के विपरीत, हालांकि मर्सी एक वास्तविक औरत थी। वो एक्सेट रोड आयरलैंड में रहती थी और एक किसान जॉर्ज ब्राउन की बेटी थी। 1800 के समय में जॉर्ज के बाद से उनके परिवार में कई सदस्यों की मौत होने लगी थी। उसके बाद उनकी मृत्यु को समझाने के लिए उनके समुदाय ने मर्सी को बलि का बकरा बनाया। उस समय एक परिवार में कई मौतों को मरे हुए पर दोष देना आम बात थी। प्रत्येक मृत परिवार के सदस्यों के शवों को अक्सर निकाला जाता था और पिशाचवाद के संकेतों की खोज की जाती थी। जब मर्सी के शरीर को निकाला गया था और गंभीर क्षय प्रदर्शित नहीं हुआ था, आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उसका शरीर न्यू इंग्लैंड सर्दियों के दौरान जमीन के ऊपर एक तिजोरी में रखा गया था। शहर के लोगों ने उस पर पिशाच होने और उसके परिवार को उसके बर्फीले से बीमार बनाने का आरोप लगाया था। कब्र से निकलने के बाद उन्होंने उसका दिल काट दिया और उसे जला दिया, फिर उसके बीमार भाई को राख खिला दी और फिर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि आधुनिक विज्ञान ने अतीत के वैम्पायर्स की डर को शांत कर दिया है, लेकिन जो लोग खुद को वैम्पायर्स कहते हैं वो मौजूद हैं। वे सामान्य दिखने वाले लोग हैं जो गुमराह करने की प्रयास में कम मात्रा में रक्त पीते हैं। इंटरनेट पर और दुनिया भर के शहरों और कस्बों में 100 पहचान किए गए वैम्पायर्स के समुदाय पाए जा सकते हैं। कुछ वैम्पायर इंसानी खून नहीं पीते हैं, लेकिन दूसरों की ऊर्जा को खत्म करने का दावा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि यदि वे नियमित रूप से भोजन नहीं करते हैं तो वो उत्तेजित या उदास हो जाते हैं। ड्रैकुला के प्रकाशित होने के बाद वैम्पायर मुख्य धारा बन गए। तब से काउंट ड्रैकुला का प्रसिद्ध व्यक्तित्व कई फिल्मों, पुस्तकों और टेलीविजन शो का विषय रहा है।
लोगों के आकर्षण देखते हुए डरावनी वैम्पायर वास्तविक या काल्पनिक आने वाले वर्षों तक पृथ्वी पर रहने की संभावना है। क्या वैम्पायर सिर्फ एक धारणा मात्र है या वाकई वैम्पायर्स होते हैं? दोस्तों, आपको इन सारी कहानियों के बारे में क्या लगता है, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो थम्स अप बटन पर क्लिक कर देना। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नए इतिहास से जुड़े रहस्य के साथ। तब तक जुड़े रहिए हिस्ट्री ऑफ दुनिया के साथ।